आपको इस हैंडल बार को रिप्लेस करने में प्रोबेबली इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए आप पहले इसी को निकालें। ये काफ़ी गंदे तरीके से चिपका हुआ था, हो सकता है कि आपको ये चेंज भी करना पड़े अगर ठीक से ना निकले तो। मेरे केस में ये निकल चुका है। और ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, इन सभी चीज़ों को निकाल लेना है, उसके बाद इन चार एलन की बोल्ट्स को खोलना है, उसके बाद हैंडल को आपको उधर खींचना है इसे अपने पोजिशन पर होल्ड करके, क्योंकि ये नहीं तो फिर आपको इसका क्लच का वायर निकालना पड़ेगा अगर आप इसे खींचना चाहते हैं। तो सबसे आसान यही है कि आप इसे खोल के हैंडल को उधर खींच लें। अब आप ये देखो कि इन दोनों के हाइट में कितना डिफरेंस है, ये लगभग इतना रेज रहेगा इससे, तो इतना काफ़ी है। और इसके लिए आपको कोई क्लच वायर मॉडिफिकेशन ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जब हैंडल बार रेजर्स लगाते हैं तो उसमें आपका आपके डिस्क ब्रेक का जो फ्लूड लाइन है वो काफ़ी टेंस रहता है, और क्लच वायर भी, तो उस केस में वो टूट सकते हैं, आपको उसे किसी अलग अल्टरनेटिव से मॉडिफाई करना पड़ेगा इसके साथ। तो सबसे अच्छा है कि आप इसी के साथ जाएँ। आपको अब ये सारी चीज़ें लगाने के बाद इस हैंड ग्रिप को यहाँ पे प्लेस करना है, फिर मार्क करना है कि ये लास्ट कहाँ तक आएगा। तो जैसे मैंने मार्क किया है यहाँ पे, अब इसके बाद हमें इस स्विच गियर को यहाँ लगा के देखना है इस पोजीशन पे, इसका एंगल अपने हिसाब से सेट कर लेना है। और होल्ड करने के लिए ये जो पीछे एक पॉइंट से निकला है उससे हमें रेफरेंस लेते हुए एक मार्क करके ड्रिल करना है इस पर। जैसे मैं यहाँ पे फोकस एक ड्रिल करूँगा, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे एक रेफरेंस लेके होल्ड करना है, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी करते फिर बाद में वो दिक्कत है तो फिर हैंडल बार ख़राब हो जाएगी उस केस में। मैं हर चीज़ें करते हुए नहीं दिखा सकता क्योंकि अकेले हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही एक रेफरेंस दे दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या करना है। आपको इसके अटैचमेंट्स फिट करने के लिए टोटल तीन होल करने पड़ेंगे इस हैंडल बार में, एक यहाँ पे है और दो थ्रोटल के साइड, एक यहाँ एक यहाँ। ऐसे गाड़ी में लगा के ना करें, नहीं तो बेंड भी हो सकता है, इसे आप किसी वेल्डिंग शॉप से करवा सकते हैं। हिमालयन का हैंडल बार लगाने के बाद मैंने इस चार्जर को यहाँ पे प्लेस किया है, क्योंकि ये अपाची का था तो इसमें ये नहीं लग पाया, ये यहाँ पर लगाने पे ये टैंक में टच करता है, तो जिप टाई के हेल्प से मैंने इसे यहाँ पे टाई कर दिया। और ये पार्ट जब भी ख़राब होगा तो ये मैं यहाँ से आसानी से रिप्लेस कर सकता हूँ। और इसका एक फायदा ये भी है कि वायर यहाँ से सीधे आगे आ गया है, तो जब कभी आप क्या करते हैं कि ये चार्जर लगाने के बाद आप लंबा तार पीछे से ले जाते हैं तो यहाँ तक तार स्टैटिक है, और जब हैंडल मुड़ती है तो उसकी टेंडेंसी रहती है वो यहाँ से टूट जाए, और मैं वो चाहता नहीं हूँ उतना लंबा चौड़ा वायरिंग करने का, इसलिए मैंने इसे यहाँ फ्रंट से यहाँ से मैं कनेक्शन दूंगा। यहाँ पे एक ब्लैक कपलर आप देख सकते हैं, इसमें ये जो इग्निशन स्विच है इसका सप्लाई जा रहा है, तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर का वायर देख रहे हैं, इसमें से मैं पॉजिटिव दूंगा इसे, और इस सॉकेट में से इसे नेगेटिव दूंगा। एक्चुअली फ्यूज़ मुझे अलग से इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्यूज़ बॉक्स इसमें पहले से ही है, तो जब भी मैं ऑन ऑफ शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो यहाँ से ये जो 15 एम्पीयर का मेन फ्यूज़ है वो जल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो सेफ्टी के से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ से तार ले जाना काफ़ी रिस्की है टैंक के नीचे से, मुझे वो ठीक नहीं लगते। तो अभी ऐसे लगा सकते हैं। और इस केस में क्या है कि आपके इस चार्जर के साथ साथ ये चीज़ भी मूव कर रही है, मीन कि यहाँ से जब भी आप हैंडल को मोड़ रहे हैं तो ये तार बीच से ऐसे बेंड नहीं हो रहा है। मैंने इसका कनेक्शन ये सक्सेसफुली कर दिया है, और अब मैं जब भी इग्निशन स्विच ऑन करूँगा इग्निशन की, और उसके बाद ये किल स्विच ऑन करूँगा तो मोबाइल चार्ज होगा। मैं इसे यहाँ किल स्विच से ऑपरेट कर सकता हूँ, अगर जब तक किल स्विच ऑन रहेगा तभी ये चार्ज होगा, मीन जब तक आपकी बाइक चल रही है तब तक ही ये चार्ज होगी।